अंकुश, अंकुश आप सुन पा रहे हैं? चलिए रोशन से जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता रोशन भी जुड़ चुके हैं। रोशन आप बताइए किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या मौसम का हाल देखने को मिल रहा है? देखिए छत्तीसगढ़ की अगर मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने 18 जिलों पर जो है वो येलो अलर्ट जारी किया है और रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर समेत जो कई जिले हैं वहाँ सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में जो रिमझिम बारिश है वो शुरू हो गई है और बिलासपुर की अगर हम बात करें तो बिलासपुर में बीते 3 दिनों से जो है वो अभी फिलहाल बारिश नहीं हुई है और बारिश नहीं होने के कारण जो है खासतौर पर लोगों को उमस भरी जो गर्मी का उसका सामना करना पड़ रहा है और बारिश के नहीं होने के कारण लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ते नजर आ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने यह आशंका जताई है कि आने वाले 24 घंटे में वो बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि जो सामान्य तापमान की अगर हम बात करें तो सामान्य तापमान बिलासपुर की 41 डिग्री सेल्सियस पर जो बना हुआ है वहीं न्यूनतम तापमान वो 27 डिग्री पर बना हुआ है। तो आने वाले 24 घंटे में बारिश होने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है, लेकिन अभी फिलहाल बीते 3 दिनों से बिलासपुर में फिलहाल बारिश नहीं हुई है, लेकिन 18 जिलों में जो है मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो कहीं ना कहीं 24 घंटे के अंदर जो है वो बारिश होने की संभावना है वो जताई जा रही है। जी चलिए अंकुश, आपके पास क्या जानकारी है? बारिश तो इस समय छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में हो रही है, लेकिन अब ऐसे में नगर निगम की किस तरह से तैयारियां हैं? और किसानों की बात करें तो किसान भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो क्या अपडेट, किसानों के चेहरे किस तरह से खिले हुए हैं? अंकुश आवाज आप तक मिल पा रही है? चलिए संपर्क करने की कोशिश करेंगे, तकनीकी समस्या के चलते अंकुश तक जी आप मुझे आ रही है आवाज। जी अंकुश बताइए। देखिए छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश मध्य प्रदेश जैसे ही सिस्टम एक्टिव है और अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है अगर हम बात करें तो बालाघाट जिले से लगी हुई जो सीमा है या फिर गोरेला पेंड्रा मरवाही से लगी हुई जो सीमा है यहां पर मध्य प्रदेश का जो मानसून का जो सिस्टम है वो एक्टिव है और वहां पर लगातार बारिश की स्थिति देखने को मिल रही है। वही सिस्टम आगे जाकर सरगुजा संभाग और उड़ीसा तेलंगाना बॉर्डर से होते हुए बस्तर तक पहुंच रहा है और यहां इन स्थानों पर लगातार बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। रुक रुक कर बारिश हो रही है, कभी तेज बारिश होती है कभी मध्यम बारिश होती है। लेकिन अगर मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, ये वो इलाके हैं जहां पर अभी तक बहुत ज्यादा बारिश देखने को नहीं मिली है। बारिश हो रही है, मानसून एक्टिव है, लेकिन जो प्रतिशत है बारिश का वो बहुत कम है। अभी तक मौसम विभाग के अनुसार 25% बारिश कम हुई है जो कि जुलाई महीने के पहले ही हो जानी चाहिए थी। जुलाई महीने का दूसरा सप्ताह चुका है और दूसरे सप्ताह में भी अब तक बारिश का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में धान की दो अलग अलग फसलों की पैदावार होती है और किसान इसी का इंतजार करते हैं। मैदानी इलाकों में अभी भी किसानों को ज्यादा बारिश की उम्मीद है, अभी भी जो प्रतिशत था बारिश का वो कम है। ऐसे में अगर मौसम विभाग की माने तो आज से 18 से 19 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और ज्यादातर बारिश का अलर्ट जारी होने की अगर हम बात करें तो रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग, ये 3 संभाग ऐसे हैं जहां के ज्यादातर जिलों में तेज बारिश हो सकती है, गरज चमक के साथ छींटे भी कहीं कहीं पड़ेंगे और आकाशीय बिजली की संभावना जो है वो भी जाहिर की गई है। फिलहाल अगर हम जुलाई महीने की प्रतिशत की बात करें तो अभी भी जो प्रतिशत है वो बारिश का कम है। ऐसे में किसान जो है वो भी बारिश का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आज के हिसाब से अगर देखें तो आज से 24 से 48 घंटों के लिए जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उस अलर्ट के हिसाब से कहीं ना कहीं उम्मीद बंधी है कि अब शायद वो प्रतिशत का जो है उसकी भरपाई हो सके जितनी बारिश किसानों को फसल के लिए चाहिए थी। फिलहाल आज अलर्ट जारी किया गया है। अगर रायपुर जिले की या रायपुर शहर की बात करें तो सुबह से बादलों की लुकाछुपी तो जारी है, लेकिन वो जिस तरीके से बारिश का इंतजार किया जा रहा है वैसी बारिश हो नहीं रही है। करीब 3 से 4 दिनों की अगर बात करें तो मौसम बनता जरूर है, लेकिन बारिश ना हो पाने के कारण उमस जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब जो सिस्टम एक्टिव हो रहा है
उस सिस्टम के हिसाब से पूरे प्रदेश भर में एक जैसी बारिश होने की संभावना है। हालांकि संभावना जाहिर की गई है लेकिन अब तक बारिश का इंतजार ही किया जा रहा है। किसानों को भी इंतजार है और लोगों को भी कहीं ना कहीं इंतजार है कि अगर अच्छी बारिश हो जाएगी तो जो उमस भरी गर्मी है उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई देगी। फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक अगर माने तो आज शाम तक उन इलाकों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है जहां पर बारिश का प्रतिशत कम रहा है और लोग अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल अंकुश, यानी कि अभी इंतजार करना होगा। फिलहाल उमस भरी गर्मी यहां पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। चलिए ग्वालियर चंबल की भी जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता विनोद जुड़ चुके हैं ग्वालियर चंबल से। विनोद, आपके पास क्या जानकारी है मौसम को लेकर? यहां किस तरह की बारिश जो है वो दर्ज की गई है और इसके साथ ही ये बारिश जो है कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है? नगर निगम के क्या कुछ इंतजाम यहां पर? देखिए, पूरे अगर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करते हैं तो पिछले लगभग एक हफ्ते से लगातार यहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है और मॉनसून बिल्कुल सही समय पर ग्वालियर चंबल अंचल में आया। मौसम विभाग ने ये भविष्यवाणी की थी कि करीब 28 और 29 जून को ग्वालियर चंबल अंचल में मॉनसून पहुंच जाएगा और उसी समय मॉनसून पहुंचा। तब से लगातार ये देखने में आ रहा है कि हर जिले में कभी न कभी बारिश रुक रुक कर हो ही रही। हालांकि आज धूप खिली हुई है ग्वालियर में, फिर भी आंशिक रूप से बादल भी छाए हुए हैं। कुछ कुछ इलाकों में आज बारिश हो सकती है। जहां तक जल भराव की समस्या है तो ग्वालियर ही नहीं बल्कि ग्वालियर चंबल अंचल के जितने भी महानगर, छोटे छोटे जिले, कस्बे हैं, हर जगह जल भराव की समस्या देखी गई है। जो निचले तबके की बस्ती कॉलोनियां होती हैं वहां तो कल ग्वालियर में ही ये देखने में आया कि कमर तक पानी भरा रहा। लोग 20 घंटे तक अपने घरों में ही रहे, बाहर निकलने में काफी मुश्किल हो रही थी। तो ये समस्या वाटर लॉकिंग की अभी लगातार बनी हुई है। ये सारी चीजें इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि समय रहते इनकी सफाई नहीं की गई और ब्लॉकेज जब हो रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है पानी नहीं निकलेगा। अब इसीलिए लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है लेकिन आने वाले दिनों में अभी बारिश लगातार जारी रहेगी। मौसम विभाग से आज, कल और 3 दिन का अभी भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और बारिश आज फिर होने की संभावना है। बिल्कुल विनोद, यानी कि मौसम विभाग की ओर से जो भविष्यवाणी की गई थी वो कहीं ना कहीं सही निकली है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मौसम भी देखा जा रहा है। चलिए, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अलग अलग शहर की तस्वीरें